नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका साथी दोस्तों पंकज गोस्वामी। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और ये क्या काम आता है। सबसे पहले आप नंबर सिस्टम का काम सुनो कि अपने कहाँ काम आता है। अपने जो नंबर सिस्टम है मेन काम आता है पेपर के अंदर। कौन से पेपर के अंदर? बैंक के पेपर के अंदर, एसएससी के पेपर के अंदर, पटवारी के पेपर के अंदर, इत्यादि के पेपर के अंदर। जिसके अंदर भी सब्जेक्ट के अंदर पेपर के अंदर सब्जेक्ट मैथ लगता है उस सभी के अंदर लगभग सिस्टम नंबर पूछा जाता है। इसी पर अपने आज विचार करेंगे कि क्या होता है संख्या सिस्टम, जो होता है नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आप देखो, आपको बोल्ड में टॉपिक दिखाई दे रहा है संख्या पद्धति। क्या दे रहा है? संख्या पद्धति। सबसे पहले अपने विचार करते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या पद्धति यानी संख्या के साथ मिलकर बना हुआ है संख्या पद्धति। सबसे पहले अपने को मालूम होना चाहिए कि ये संख्याएं क्या होती है। तो देखो, इससे पहले मैं आपको बात बता दूं कि अगर जो भी आपको मैं यहाँ पे लिखाऊंगा वो आप नोट्स मत बताना उसके, क्योंकि दोस्तों ये आप देखो मेरे जो है दोस्तों इसके नोट्स बने हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। संख्या पद्धति दोस्तों पूर्ण तो नोट्स हैं मेरे बने हुए। इस वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट तरीके से बताऊँगा, समझाऊंगा बिल्कुल देसी तरीके से, आप समझ आ जाएगा। और आप इस ये जो नोट्स है मैं इसकी फ़ोटो खींच के टेलीग्राम चैनल उसके अंदर डाल दूंगा और उसका लिंक मैं वीडियो नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप आराम से इसको देख के लिख लेना, तो आप संपूर्ण ध्यान आपका समझने में लगाना। तो देखो सबसे पहले अपने क्या करोगे आप, अगर आपको समझ में आए मेरा पढ़ाया हुआ तभी आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बताना। तो देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं संख्या की, संख्या होती क्या है। तो देखो अपने किसकी बात करते हैं, संख्या की बात है अपने करते हैं कि संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम अपना टॉपिक लेते हैं अपने संख्या। संख्या अब संख्या में क्या होती है, देखो विविध अंकों को इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर प्रयुक्त करने पर जो पद बनता है वह संख्या कहलाती है। विभिन्न अंक होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 0, इनको अपने इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर अपने जो रखेंगे उसके बाद अपने को एक पद बनेगा, वह पद ही क्या कहलाता है दोस्तों, संख्या कहलाती है। इसी बात को मैं बोर्ड पर दिखूंगा। तो देखो कि विभिन्न इसी बात को मैं क्या दोस्तों बोर्ड पर लिखूंगा, देखो क्या विभिन्न अंकों को इकाई दहाई सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। यानी विभिन्न अंकों को इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर रखने पर जो पद बनता है वह पद ही क्या कहलाती है, अपनी संख्या कहलाती है। इसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अंक जो होता है वो हमेशा इकल्ला होता है और जो पद होता है यानी जो संख्या होती है वो अंकों का बहुवचन होती है। यानी संख्या के अंदर एक एक से अधिक अंक होते हैं और अंक हमेशा इकल्ला होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब इसके बाद ये जो संख्या की बात होगी, इसके बाद बात आती है कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो देखो संख्या का जो सर्वप्रथम प्रकार होता है वो कौन सा होता है, संख्या का सर्वप्रथम प्रकार होता है प्राकृत संख्या। कौन सा है? संख्या का सर्वप्रथम प्रकार में आता है। अब यहां से अपन दोस्तों अपन टॉपिक स्टार्ट होता है कौन सा प्रकार, संख्या के प्रकार। सर्वप्रथम संख्या के प्रकार के अंदर आता है दोस्तों प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। कि प्राकृत संख्या क्या होती है,
आप प्राकृत संख्या ब्रह्म स्वरूप, कि जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, ये प्राकृत संख्या की परिभाषा है। मैं आपको इसका देसी तरीका बता दूंगा अष्ट के अंदर, कि जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है वह संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। अब गिनती की क्रिया किन से की जाती है, जिससे अपने गिनते हैं, जैसे कोई वस्तु है, एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, जैसे अपने गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, इस प्रकार से वह सभी क्या कहलाती है दोस्तों, संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। पर गिनती के अंदर आप अपने कभी भी जीरो को शामिल नहीं करते, इसी प्रकार प्राकृत संख्याओं के अंदर जीरो को शामिल नहीं किया जाता। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिनसे गिनती की क्रिया की जाती है, गिनती क्रिया की जाती है, इसमें शून्य को शामिल नहीं किया जाता। यानी वह संख्या जिसकी सहायता से गिनती की क्रिया की जाती है वह संख्या क्या है, प्राकृत संख्या कहलाती है, और प्राकृत संख्याओं के अंदर शून्य को शामिल है नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, आप इसका एग्जांपल भी देख लीजिए, क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन, इन्फिनिटी, इसके अंदर के जीरो को शामिल है नहीं किया जाता। ये तो हो गया सिंपल प्राकृत संख्या की बात, ये तो संख्याओं का एक नंबर प्रकार हो गया। दो नंबर प्रकार आता है संख्याओं का, वो आता है क्या, पूर्ण संख्या। संख्याओं का दो नंबर प्रकार कौन सा आता है, वो आता है अपना पूर्ण संख्या। अब मैं आपको क्या है कि पूर्ण संख्या के बारे में बताऊंगा। तो देखो, संख्या का दो नंबर प्रकार आता है, वह आता है पूर्ण संख्या। अब इस पूर्ण संख्या के अंदर क्या किया जाता है, प्राकृत संख्याओं के अंदर जीरो को शामिल नहीं किया जाता, और जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है वह प्राकृत संख्या कहलाती है। अब पूर्ण संख्याओं के अंदर के जो प्राकृत संख्या होती है वो तो आती जाती है, प्लस जीरो को ऐड ओवर कर लिया जाता है, क्या आती है, प्राकृत संख्या प्लस शून्य, प्राकृत संख्या शून्य। यानी पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्याओं को शामिल किया जाता है, प्लस शून्य को और शामिल कर लिया जाता है, कि प्राकृत संख्याओं के अंदर शून्य को शामिल करना करने पर पश्चात संख्या बनती है वह क्या कहलाती है, वह पूर्ण संख्या कहलाती है। या अपने इसके अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है, समूह बनता है, वह क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा क्या, जीरो, एक, दो, तीन, यहाँ से लेके इन्फिनिटी। इस प्रकार से अपने संख्याओं के दो प्रकार कंप्लीट हो गए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। इसके बाद संख्या का प्रकार आता है, वो कौन सा आता है, इसके बाद संख्या का प्रकार आता है पूर्णांक संख्या। कौन सा प्रकार आता है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इसके अंदर क्या होता है, जब जो अपने पूर्ण संख्याएं होती है जिसके अंदर प्राकृत संख्या जीरो को शामिल करना पूर्ण संख्या होती है, उनको जब चिन्हों धनात्मक या ऋणात्मक के साथ प्रदर्शित किया जाता है तो वह संख्याएं क्या हो जाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। आगे बात समझ में, देखो पूर्ण संख्याओं को
पॉजिटिव है, नेगेटिव चिन्ह से क्षण करने पर संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं को नेगेटिव पॉजिटिव चिन्हों के साथ तर्क प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है, अपना पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसका आप एग्जांपल देख लीजिए किस प्रकार से क्या होगा। देखो माइनस दो, माइनस एक, जीरो, प्लस दो, तीन, इसके अंदर आप देखो तीनों के साथ ये सभी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या है। इन्हें को अपने चिन्हों के साथ दर्शा दिया प्लस माइनस के, तो ये क्या बन गई, पूर्णांक संख्या बन गई। इस प्रकार से अपने चिन्हों संख्याओं के तीन प्रकार कंप्लीट होते हैं, प्राकार संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। अब अपने बात करेंगे टाइप फोर के बारे में। इससे पहले अगर आपको ये तीन प्रकार समझ आ गए हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, इतना काम है वो आपका है, आप करना। तो देखो आपको मैं देसी से तरीके से बढ़ा रहा हूं, तो ये है अपना क्या, देसी डेस्टर। तो इसके बाद जो अपना टाइप आता है वो आता है दोस्तों भाज्य संख्याएं। क्या प्रकार आता है, भाज्य संख्याएं। इसके बाद अपना जो टॉपिक आता है वह आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या जो है वो नाम से भी कह कि परिभाषित हो रही है, जो संख्या विभाजित होती है या भाज्य होती है वह भाज्य संख्या कहलाती है। इसके ना देखो परिभाषा अपने किस प्रकार लिखेंगे, वह संख्या जिसके अंदर एक व अपने अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाते हैं, अन्य संख्या से विभाजित होती है, तो वह संख्या क्या है, भाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या, वह प्राकृत संख्या जिसमें एक व अपने अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। कि वह संख्या एक वह अपने के लो अन्य से भी विभाजित होती है, तो वह संख्या क्या है, भाज्य संख्या अपनी कहलाती है। अब देखो इसके एग्जांपल देख लो कौन कौन से है, एक के अलावा, क्योंकि दो हो गया, चार हो गया, छः हो गया, एग्जाम्पल के अंदर इसका देखो चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया, दस हो गया, बारह, क्या है, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, ये सभी संख्याएं क्या है, प्राकृतक है, प्राकृत संख्या, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जीरो को शामिल नहीं किया गया है और भाज्य संख्याएं। अब बात आती है अभाज्य संख्या की। प्राकृत संख्याओं के बाद टॉपिक आता है अपना कौन सा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्याओं के अंदर क्या होता है कि वह संख्याएं
जिसके अंदर एक व अपने अलावा किसी और से विभाजित ना हो। इसका उल्टा है कि वे प्राकृतिक संख्या जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, कि वह संख्या वह प्राकृत संख्या है जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो वह संख्या क्या है? अपनी अभाज्य संख्या है। इसका उदाहरण आपको पता ही है, अभाज्य संख्या का एक व अपने अलावा जो दो होता है, दो के एक सम अभाज्य संख्या है। इसका एग्जाम्पल बनाता है दो, दो के बाद अपना क्या आता है दोस्तों? तीन, पाँच, सात, ग्यारह, तेरह, सत्रह। इसके अंदर एक ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर जो दो होता है दो एकमात्र क्या है? सम अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र क्या है? सम अभाज्य संख्या है। और जो एक है, जो एक होता है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। जो एक है वो न तो भाज्य है। इसके अंदर क्या जो एक आता है अपना, जो एक होता है वो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। यानी एक न तो अभाज्य में आता है न भाज्य में आता है। ये तो हो गई अपना अभाज्य भाज्य की बात। इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है वह आता है सह अभाज्य। इसके बाद टॉपिक आता है अपना सह अभाज्य। तो देखो सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो जब भी अपने कोई दो संख्याएं लेते हैं, और उनका गुणनखंड करते हैं और उसमें कॉमन फैक्टर जब एक आ जाए, तो वह संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या, यानी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। यानी दो संख्या उन्होंने ले ली, उसके मैंने गुणनखंड की, उन्होंने सिर्फ उन्होंने कॉमन फैक्टर निकला, वो भी क्या? एक ही निकला। एक यानी वन, वन वैसे एक नहीं निकला, ओनली वन, वन उनका क्या कॉमन फैक्टर आया, तो वह संख्या क्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। इसके ना आप उसके उदाहरण देखो, इसकी जो परिभाषा है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, वो मैं नोट्स में लिखी हूँ, यहाँ से आप देख लेना। अब वो सबको समझ आ गई होगी कि दो संख्या उन्होंने ली, उनके गुणनखंड किए और उन गुणनखंडों के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ वन निकल के आया, वन वही आता है, वो संख्या क्या कहलाती है? सहभाज्य। देखो इसके अंदर एग्जाम्पल देखो अपने लेते हैं दो है पाँच। अब अपने दो के गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? तो गुणनखंड एक इसके आया दो व एक आया। पांच के करते हैं अपने तो क्या आएगा? पांच व एक। इन दोनों संख्याओं के अंदर, गुणनखंड आया दो व एक, पांच व एक, यानी दोनों संख्याओं के अंदर कॉमन गुणनखंड क्या है? वन। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। इसी प्रकार आप एग्जाम्पल ले लीजिए सात व तेरह का, इसके का भी आप गुणनखंड कीजिए। सात का क्या आया? सात का आया सात इंटू एक, तेरह का आया तेरह इंटू एक। तो देखो सात का सात इंटू एक, तेरह का तेरह इंटू एक, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आया? वन। तो ये संख्याएं क्या कहलाएगी?
सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये अपना हो गया दोस्तों संख्याएं सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। इसके बाद अपना टॉपिक, इसके बाद आप देखिए, उसके बाद अपने मैं आपको बताऊंगा कि सम संख्याएं क्या होती है और विषम संख्याएं क्या होती है। इसके बाद तो अपना टॉपिक आता हुआ आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं वे होती है जो संख्याएं दो से बची हो। क्या दो या वे संख्याएं जो दो से भाज्य हो, वे संख्याएं जो दो से भाज्य हो वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। यानी दो से भाज्य मतलब दो से डिवाइड होती हो संपूर्ण, या कह दो जिनके अंत के अंदर 0, 2, 4, 8, 6 हो। जिनके अंत के अंदर क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 जिनके अंत के अंदर ये अंक होते हैं अंत के अंदर, वह संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अब इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, इसके क्या हो जाएगा? दो क्या सम संख्याएं हैं, इसके बाद एक व चार अंत के अंदर सम संख्याएं हैं, ये दो सम संख्याएं हैं। कितनी भी बड़ी संख्या आपको दे दी जाए इसके अंत के अंदर, जब यह संख्या देखो 2, 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या दी हुई है, कितनी बड़ी संख्या, इसके अंत के अंदर क्या है 4, तो इसके अंदर तो जिसके राष्ट्र के अंदर 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह संख्या सम संख्या कहलाती है, या वह संख्या है दो से डिवाइड होती हो संपूर्ण भाग जाता हो, दो से भाज्य होती हो वह संख्या सम संख्याएं कहलाती है। अब अपने आती है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या सम संख्या का उल्टा। क्या वे संख्याएं जो दो से भाज्य ना हो, यानी वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह से भाज्य ना हो वह संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। कहें तो जिनके अंत के अंदर क्या आता हो, जिनके अंत के अंदर आता हो अपना 1, 3, 5, 7 जिनके अंत के अंदर 1, 3, 5, 7 आता हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। आप एग्जांपल देख लीजिए, यानी कुछ संख्या दे दे, ये दे दी 8,931 राष्ट्र के अंदर क्या है 1, तो ये संख्या क्या है? विषम संख्या है। अगर आपको दे दे 8,935 राष्ट्र के अंदर क्या है 5, तो ये संख्या क्या है? विषम संख्या है। इस प्रकार आप सम संख्या और विषम संख्या की पहचान कर सकते हो। इन संख्याओं के बाद जो संख्या का टाइप आता है वह आता है दोस्तों प्रिमेय संख्या आता है। क्या आता है? प्रिमेय संख्या। इन संख्याओं के बाद संख्याओं के प्रकार के अंदर संख्याओं का प्रकार आता है प्रिमेय संख्या। की प्रिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जिनको अपने पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह संख्या प्रिमेय संख्या कहलाती है। इसकी प्रशस्त यह होगी, अब आप समझो इस बात को। कि जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के अंदर भाग देने पर,
एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होता है वह जो लघुत्तम है प्राप्त होता है प्राप्त हो उन्हें प्रिमेय संख्या कहते हैं। जीरो को छोड़कर यानी वह संख्या जिनको हमने पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें, किसके रूप में लिख सकें, पी बटा क्यू के रूप में लिख सके। यहाँ पे पी पर पी का मतलब कोई संख्या, क्यू का मतलब कोई संख्या, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या क्या है, प्रिमेय संख्या। इसकी शर्त एक ही है कि जो क्यू की वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तीन संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्याएं प्रिमेय संख्या कहलाती है। वो जो क्यू की जो मान है वो दोस्तों कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसको आप उदाहरण से आप समझ सकते हो। देखो एक एक दो एक बटा दो तीन एक दो एक बटा दो तीन दो बटा पाँच सात, ये संख्याएं क्या है दोस्तों, प्रिमेय संख्या। अब आप कहोगे कि इनके अंदर तो चलो माना पी बटा क्यू रूप बन रहा है, ए पी हो गया दो क्यू हो गया, इसके अंदर पी बटा क्यू रूप बन रहा है, लेकिन सात के अंदर पी बटा क्यू रूप नहीं बन रहा। इसके बटा के अंदर मैं एक लगा सकता हूँ, कुछ भी प्रभाव है नहीं पड़ेगा, ये बन गया आपका पी बटा क्यू रूप। इस पर इसके अंदर भी एक लगा सकता हूँ, इसके अंदर भी एक लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पर मैं एक लगा सकता हूँ। इस प्रकार जो संख्याएँ होती है वह हमेशा प्रिमेय संख्याएँ कहलाती है। इसके बाद बात आती है दोस्तों अप्रिमेय संख्या की, किसकी बात आती है दोस्तों, अप्रिमेय संख्या की बात आती है। इसके बाद टॉपिक आता है अप्रिमेय इसके बारे में टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों अप्रिमेय संख्याएं। अप्रिमेय संख्याओं के अंदर क्या होता है कि वह संख्या जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं अप्रिमेय संख्याएं कहलाती है। जिन संख्याओं में पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वे संख्या अप्रिमेय संख्या कहलाती हैं। ये अपने प्रकार हो गए संख्याओं के अंदर। जो शेष प्रकार है कि वो अपने और पढ़ लेते हैं, तो देखो शेष प्रकारों के अंदर जो बच गए उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जो संख्याओं के प्रकार के अंदर आता है पुनरावर्ती संख्याएं, पुनरावर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है वो देखो, पूर्ववर्ती वह संख्या होती है कि अपने जो भी कोई संख्या दी जाती है ठीक उससे पहले की संख्या यानी उससे छोटी संख्या, अपने को जो भी संख्या दी जाती है ठीक उससे पहले की जो संख्या होती है वह संख्या पूर्णवर्ती संख्या कहलाती है, यानी जो पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अपने दे दिया 732, ये संख्या अपने को दे दी, इसकी जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वो क्या होगी, इससे पहले की संख्या यानी इससे छोटी होगी, इससे पहले संख्या से छोटी होगी और उससे बाद की संख्या से बड़ी होगी। यानी इससे जो पहले की संख्या होती है इससे पहले संख्या कौन सी होगी, 732 से पहले संख्या होगी 731। तो ये जो 731 जो संख्या आई, 731 संख्या आई, यही संख्या क्या होगी, इस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। यानी दी गई संख्या से ठीक पहले की संख्या
उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। अपने को दे दे देसो 435 दे दे, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, ठीक इससे पहले की संख्या 434 होगी। इस प्रकार अपने को दे दे 597 दे दे, तो इससे ठीक इससे पहले संख्या क्या होगी 596। ये इसकी पूर्ववर्ती है और ये इसकी पूर्ववर्ती है। आगे बात समझ में, इस आपको मैं एक बार बता दूं, वो पिछले टॉपिक की बात है, प्रिमी और अप्रिमी वो रह गई थी। देखो दो प्रिमेय संख्याओं का गुणा हमेशा प्रिमेय संख्या होती है, और एक प्रिमेय और एक अप्रिमेय संख्याओं का गुणा सदैव अप्रिमेय संख्या होती है। दो प्रिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रिमेय संख्या आएगी, एक प्रिमेय संख्या और एक अप्रिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तब अप्रिमेय संख्या आएगी। अब ये तो होगी पूर्व, वो तो प्रिमेय अप्रिमेय संख्या बात होगी, और ये अपनी पूर्ववर्ती संख्या की बात होगी। इसके बाद वो संख्या का टाइप आता है, वो आता है अनुवर्ती संख्या। इसके बाद संख्या का प्रकार आता है अनुवर्ती संख्या, यानी तो संख्या में दी गई है उसे ठीक बाद की संख्या यानी उसे बड़ी संख्या क्या कहलाती है, अनुवर्ती संख्या कहलाती है। दी गई संख्या की ठीक बाद यानी इस संख्या का उल्टा, यानी 752 फॉर एग्जाम्पल अपनी यही ले लेते हैं, अपने को दे दिया 732, इसके अपने को बतानी है अनुवर्ती संख्या, तो ठीक इसके बाद की संख्या यानी इससे बड़ी संख्या होगी बाद के अंदर क्या हो जाएगी, इसके बाद की संख्या क्या हो जाएगी 733। ये इसकी क्या होगी दोस्तों, अनुवर्ती संख्या होगी। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल है, इनकी संख्या होगी अपने को बता दे कि इनकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो क्या होगी 435 की अनुवर्ती संख्या होगी 436, और 597 की अनुवर्ती संख्या होगी 598। ये तो होगी अनुवर्ती संख्या और ये होगी पूर्ववर्ती संख्या इन संख्याओं की, यानी पहले जी की संख्या की पहले की संख्या छोटी संख्या पूर्ववर्ती, बाद की संख्या यानी बड़ी संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ये टॉपिक इसका तो खत्म हो गया अनुवर्ती वर्ती संख्याओं का। इसके बाद वो आता है, वो क्या आता है वो देखो, इसके बाद आता है त्रिकोण संख्याएं। त्रिकोण संख्याएं, त्रिभुज की तरह संरचना करने वाली संख्याओं को त्रिकोण संख्याएं या त्रिकोण संख्या कहलाते हैं। त्रिभुज की तरह संरचना करने वाले संख्याओं को त्रिकोण संख्या या त्रिकोणीय संख्या या क्या कहलाते हैं, त्रिकोणीय संख्या। त्रिभुज की तरह संरचना करने वाले संख्याओं को त्रिकोणीय या त्रिकोण संख्या के लेते हैं। एग्जाम्पल से आप समझो, देखो जैसे तीन है, तीन को अपने लिख सकते हैं किस प्रकार से, देखो एक डॉट दो डॉट थ्री डॉट, तो देखो एक एक यह संख्या एक प्रकार से त्रिभुज संरचना कर रही है, तो इस तीन को क्या कहेंगे अपने, त्रिकोण संख्या कहेंगे। इसी प्रकार आप देखो छह, देखो छह को अपने किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक दो तीन। अब इसके अंदर आप देखो छह संख्या भी एक प्रकार से त्रिभुज संरचना करती है, तो ये संख्या अपने क्या हो जाएगी, त्रिकोण संख्या अपनी हो जाएगी। इसी प्रकार से आप ले लो दस ले लो, वो दस भी क्या करती है दोस्तों, एक दो तीन इसको मिला सकते हो, दस भी करती है। इस प्रकार वह संख्याएं जो त्रिभुज संरचना करती है, त्रिभुज रचना या संरचना बनाती है, वह संख्याएं त्रिकोण संख्याएं कहलाती है। इसके बाद अपना टॉपिक आता है, वह आता है त्रिक संख्या या त्रिकीय संख्या। त्रिक या त्रियक,
त्रिक संख्याएं। ट्रिक क्या, त्रिक संख्याएं होगी कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो वह संख्याएं त्रिक संख्या कहलाती है। इसी के आधार पर ही अपनी पाइथागोरस प्रमेय है वह कार्य करती है, यानी दो संख्याओं के वर्गों का योग, फॉर एग्जाम्पल देखो 3, 4, 5, ये संख्या एक प्रकार से त्रिक संख्या है। कैसे कह सकते हैं, 3 का वर्ग कीजिए 9, 4 का वर्ग कीजिए 16, 5 का वर्ग दोस्तों 25, इन दो संख्या वर्गों का जोड़ क्या आया 25, तीसरी संख्या के वर्ग के क्या है बराबर है। तो 3, 4, 5 एक क्या है, त्रिक संख्याएं हैं। इसी पर अपनी कौन सी प्रमेय काम करती है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अपनी इस त्रिकीय संख्याओं पर अपने जो कार्य करती है। इसका एग्जांपल और एक और भी देख सकते हो, कौन सा अब देख सकते हो, 5, 12, 13 का, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग दोनों का जोड़ करोगे वर्गों का, वह 13 के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार से मैंने जो आपको बताया, जो मुझको आता था, मैंने आपको फुल का फुल बताया, और इसके जो नोट्स होंगे जो फोटो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के डाल दूँगा उसका लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा। इस पर ये जो सभी प्रकार है, ये सभी प्रकार को आप अच्छी तरह समझ लेना, ये सभी प्रकार संख्या के सिर्फ इतने प्रकार हैं जो मैंने आपको बताए, यही सिर्फ संख्या के प्रकार कहलाते हैं। तो आपको अगर समझ आया हो तभी हमारे वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों इसके साथ मैं आज का अपना टॉपिक जो अपनी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं, या उसको मैं समाप्त करता हूं। आज के लिए बस इतने दोस्तों, धन्यवाद, मिलेंगे एक बार फिर आगे वाली वीडियो के अंदर दोस्तों।